हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई बैंक के चुनाव में प्रवीण दरेकर का परचम, सभी 21 सीटों पर सहकार पैनल के उम्मीदवार निर्वोचित। भाजपा में और बढ़ा प्रवीण दरेकर का दबदबा। राज्य के सबसे बड़े मुंबई जिला सहकारी बैंक पर एक बार फिर प्रवीण दरेकर का विजय पताका फहरा है। मुंबई बैंक चुनाव में दरेकर के नेतृत्व वाले सहकारी पैनल ने सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 4 सीटों पर चुनाव कराए गए। जिन सीटों पर चुनाव कराए गए उस पर भी सहकारी पैनल के उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। प्रवीण दरेकर पर तमाम तरह के आरोप लगने के बाद भी मुंबई बैंक पर उनका एक तरफा दबदबा कायम हो गया है। 4 सीटों के लिए वोटों की गिनती सोमवार को की गई। परिणाम घोषित होने के बाद विधान परिषद के निपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने सभी मतदाताओं के प्रति आभार ज्ञापित किया है। मुंबई जिला सहकारी बैंक चुनाव में को लेकर प्रवीण दरेकर के नेतृत्व वाले सहकारी पैनल गठित किया गया था, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार शामिल थे। लेकिन शिवसेना के 4 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी कायम रखी थी। 4 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। मुंबई बैंक के अभिजीत घोषालकर, सुनील राउत, अभिजीत अड़सुल और शिल्पा सरपोतदार शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार थे, जबकि कमलाकर नाइक ने विद्रोह किया और हार गए। शिवसेना के बागी उम्मीदवार सुजाता पोटकर, संजना गाड़ी और स्नेहा कदम ने चुनाव से नाम वापस ले लिया था। जिन 4 सीटों पर चुनाव कराया गया उसमें केंद्रीय उपभोक्ता संगठन निर्वोचन क्षेत्र से सहकार पैनल के वी लराव भोसले जीते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता निर्वोचन क्षेत्र से पुरुषोत्तम दलवी, महिला सहकारी समिति निर्वोचन क्षेत्र से जयश्री पांचाल और आरक्षित निर्वोचन क्षेत्र से अनिल गजरे ने जीत हासिल की है। इस मौके पर प्रवीण दरेकर ने कहा कि मुंबई जिला सहकारी बैंक को लेकर तमाम लोगों ने आरोप लगाए थे, मुंबई बैंक और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन मुंबई बैंक के सहयोगियों को हम पर पूरा भरोसा है। नाबार्ड, आरबी सहकारी खातों के मानदंडों को पूरा करके मुंबई करों ने बैंक को आगे ले जाने का काम किया, जिसकी वजह से मतदाताओं ने किसी के बहकावे में आए बगैर शत प्रतिशत साथ दिया। मतदाताओं ने बैंक के कामकाज पर अपनी मुहर लगा दी है। मुंबई बैंक चुनाव के नतीजों के बाद विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण दरेकर का भाजपा में दबदबा और बढ़ गया है। प्रवीण दरेकर ने इन चुनावों के एक बार फिर अपना मजबूत शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में दरेकर भाजपा नेतृत्व के और दुलारे बन सकते हैं। मुंबई बैंक चुनाव को जहां काफी कांटेदार माना जा रहा था, लिहाजा मुंबई बैंक चुनाव में प्रवीण दरेकर ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए भाजपा को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।